जनक जी सभा के मध्य में खड़े हुए और कहा, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो अनुठाना, तजहु वास निज निज ग्रह जाहु, लिखाना विधि वै देही विवाहु। जनक जी महाराज आवेश में भी हैं, दुख में भी हैं और राजाओं से कहा, सुनो, वैदेही को प्राप्त करने की इच्छा छोड़ो और अपने अपने घर जाओ। आज मैंने सबके बल का प्रमाण देख लिया है, ये धनुष आपके वीरता का प्रमाण दे रहा है। जिस विधाता ने मेरी वैदेही को सर्वगुण संपन्न बनाया, मैं जान गया कि उस विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह की रेखा नहीं बनाई। अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता हूँ तो कुल की कीर्ति का नाश होगा। अगर प्रतिज्ञा पर अडिग रहता हूँ तो मेरी बिटिया आजीवन कुंवारी रहेगी। आज आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। अगर मुझे ज्ञात होता कि धरती पर कोई वीर नहीं है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके अपनी जग हंसाई नहीं कराता। जनक जी ने क्या बोला, धरती पर कोई वीर नहीं है। ये बात जैसे जनक जी ने बोली, सब के सब सुने और सुन के चुप रह गए। लक्ष्मण भैया भी चुप रहे, क्यों? गुरु जी बैठे हैं, भैया बैठे हैं, ये कुछ कहेंगे, कोई कुछ नहीं बोला। जनक जी महाराज देखिए परम ज्ञानी हैं। जनक जी महाराज जानते हैं कि अगर बड़के सरकार को उठाना है धनुष के लिए तो उसके पहले छोटके सरकार का उठना ज्यादा जरूरी है। जब तक छोटे वाले नहीं उठेंगे तब तक ही बड़े वाले उठने वाले नहीं है। आप एक बात बताओ, आपको झंडा लहराना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोलिए, झंडा लहराने के लिए क्या करना पड़ेगा? हैं? हमको देखो साइलेंस वाली भाषा नहीं समझ में आती, या तो दिखाई तो दे रही है पर सुनाई नहीं दे रही। क्या करना होगा? डंडा। और राम जी की कीर्ति रूपी ध्वजा को लहराने के लिए लक्ष्मण भैया ही हैं जो डंडे का काम करते हैं। रघुपति कीर्ति विमल पता का, दंड समान भयो जस जा। जनक जी ने यहाँ पर बहुत अच्छी यहाँ पर चतुराई की। अच्छा एक बात बताओ, एक बार बोल दिया है ना कि कोई वीर नहीं है, बोल चुके हैं ना, दोबारा बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि पहली बार में छोटके सरकार खड़े ही नहीं हुए, दोबारा वही बात बोली। आज के बाद जितने यहाँ सभा में बैठे हैं, कोई अपने को वीर मत कहना, कौन नहीं आया है, एक से एक रूप बदल कर सब यहाँ पर राजा बन के उपस्थित हुए हैं। आकाश से, मृत्युलोक से, पाताल से, और इतने सारे राजाओं में एक भी राजा ऐसा नहीं जो इस धनुष को उठाना दूर, चाप चढ़ाना दूर, इसे तिल के दाने इतना खिसका सके। आज मैंने देख लिया और समझ गया कि वीर विहीन मही मैं जानी, धरती वीरों से विहीन हो चुकी है, आज मैं समझ गया। अरे दूसरी बार जनक जी के मुख से निकला ही भड़का। अब की बार लक्ष्मण भैया कैसे सह लेते, खड़े हुए अपने सिंहासन से, नेत्र लाल हुए, होंठ कंपित होने लगे और आवेश में आए लक्ष्मण भैया। राम जी की ओर देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और जनक जी की ओर देखकर कहा, आज जनक जी को ना जनक जी कहा, ना महाराज कहा, सीधा कहा, अरे कही जनक जस अनुचित बाने। जिस सभा में रघुवंश शिरोमणि प्रभु श्री राम जी विराजमान हो, उस सभा में कोई ऐसा कैसे बोल सकता है कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा है? आपके रहते हुए जनक जी ने ऐसे शब्द कहे, गलत कहा। बात
धनुष की है कि किसी ने उठाया नहीं। मैं जो कह रहा हूँ अभिमान से नहीं स्वभाव से बोल रहा हूँ, एक बार आदेश देकर देखिए ये धनुष क्या चीज है। अरे जो तुम्हारे अनुशासन का कर दे कि ये धनुष क्या चीज है। ये धनुष जिस सभा में है, ये सभा जिस मतला में है, ये मतला जिस ब्रह्मांड के अंतर्गत है, पूरे ब्रह्मांड को उठा के दिखाऊंगा। और केवल उठाऊंगा नहीं, कच्चे घड़े के समान से क्षण भर में फोड़ कर दिखाऊंगा। मुझे एक बार आदेश दे कर देखिए, इस धनुष पर कमल के नाल के समान प्रत्यंचारोपण करूंगा। इतना ही नहीं, इसे 100 योजन लेकर दौड़ कर भी दिखाऊंगा। जनक जी ने आपके रहते हुए कैसे कहा कि यहाँ पर कोई वीर नहीं है? प्रभु आपके रहते हुए जनक जी ने कहा, अगर रघुवंश का कोई एक छोटा सा बालक भी हो और समक्ष काल स्वयं उपस्थित होकर ललकारे, तो वो रघुवंशी बच्चा काल से टक्कर लेता है, पीठ नहीं दिखाता। और यहाँ पर आपके रहते हुए जनक जी कह रहे हैं कोई वीर नहीं बचा है। रही समाज बीच जो दिनेश वंश बाल को, सुने कुबेन देना जवाब हाल काल को, इते तो भानु वंश के निशान विराजमान है, प्रत्यक्ष जानते विदेह सत्व की सुजान है। अवैन वीर देव सुंदरा विहीन हो गई, कही वृथा विदेह बात नाम सोच ले लई। जो आज नाथ ने सो निवेश नेक पाऊ में, तो समाज बीच खेल के विदेह को दिखाऊ में। कहो मुख है करो न जो भरो न चाप हाथ में, असत्य ना बनो सदा सुनाद साथ में। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने के ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, या शब्द हृदय में चुभता है, पृथ्वी वीरों से खाली है। तो रो छत्रक दंड जिनी तो प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभु पद शपथ है, पुण्य न धरो धनुहाथ, पुण्य न धरो धनुहाथ नाथ, या ही उलट रे ब्रह्मांड मैं कोपो। ये सब राजन को चार करो ना हिन मुख मोरो, सब राजन को चार करो ना हिन मुख मोरो। चरण कमल उरलाय नाथ पल महधनु तोरो, चरण कमल उरलाय नाथ पल महधनु तोरो। लखन लाल ने वचन बोले, असर धरती पर दिखाई दिया। लखन सको वचन जे को लक्ष्मण भैया ने ज्यो ही रोष भरे शब्द बोले, धरती कांपने लगी। लखन लाल धनुष के सन्निकट हैं, धनुष की ओर एक हाथ बढ़ाया है, और प्रभु आज्ञा दे दो, कहिए तो तोड़ दूं। भैया आदेश दे दीजिए, कहिए तो तोड़ दूं। विश्वामित्र जी ने कहा, जल्दी बुलाइए, कहीं सही हो मैं ना तोड़ने कहते कहते, जल्दी बुलाइए। और राघव जी लक्ष्मण भैया को, सय नहीं रघुपति लखन निवारे, आंखों का इशारा किया और लक्ष्मण जी आकर बैठ गए बगल में। लोग कहते हैं, आप लोग कहते हैं गुस्सा करना बुरी बात है, गुस्सा तो देखो लक्ष्मण जी कर रहे हैं ना, कितने जोश में हैं, जोश में हैं पर होश में हैं। हम जोश में आते हैं तो होश में नहीं रहते हैं, जो सामने आए वही को ढकेल के किनारे।
और लक्ष्मण जी आंख के इशारे से रुक गए। राम जी ने कहा शांत भैया शांत, धरती हिल रही है। लक्ष्मण जी ने कहा अरे हिल रही है तो हिल रही है, हमारा गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा। कब तक? अभी तक दो लोग नहीं हिल रहे हो, एक आप एक धनुष, और जब तक ये दो अपनी जगह से ना हिले मेरा क्रोध शांत होने वाला नहीं है। गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया, राघव जी के शीश पर वरद हस्त रखा और कहा रघुनंदन उठिए जाइए और धनुष का खंडन कर दीजिए। रामा विश्वामित्र समय शुभ जाने राम सिय राम। Yeah.